बुधवार को ब्लॉक सभागार मीरगंज में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग बरेली की ओर से कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के चिन्हीकरण के कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में दूर दराज से लोग आए, हालांकि बारिश होने की वजह से कम लोग पहुंचे, लेकिन करीब 2:30 बजे तक 15 दिव्यांगजनों ने अपना पंजीकरण कराया। अभी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सफदर अली। आप कौन से गांव में ब्लॉक में आए हुए हैं, तो आज क्या ये कैंप कौन सा कैंप है? जी ये जो है हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से रजिस्ट्रेशन कैंप चिन्हीकरण कैंप लगाया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण होगा, जिसमें सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग हेतु उनका जो है चिन्हीकरण होना। अब तक कितने आवेदन आपके पास आए हैं? आवेदन 18 आ गए अब तक। अब जैसे अभी बारिश का आज पूरा दिन बारिश रही, इसी आवेदन जो है कम आए हैं, तो क्या उम्मीद है कि आगे 5 बजे तक कितने और आते हैं? हाँ उम्मीद है, बारिश रुकी है तो अब एकदम ज़्यादा हैं, अभी तक तो 2-4 ही आए थे, लेकिन जैसी बारिश रुकी है वैसे लोगों का आना शुरू हो गया है। हमें उम्मीद है कि 5 बजे तक काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से लाभार्थी जो है चिन्हीकरण के लिए आए हैं, उनको क्या क्या यंत्र मिलेंगे? हाँ तो इसमें जो लाभार्थी आए हैं वो आंखों वाले भी हैं जिनमें स्मार्ट किट दे जाना है, और पैरों से जो दिव्यांग हैं जिनके पैरों से चलने में थोड़ा दिक्कत आती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के तहत, तो उनके लिए भी वो ट्राईसाइकिल दी जा रही है, जिसे उसमें रिक्शा कहते हैं, और व्हील चेयर भी 2-4 आवेदन आए जिसमें व्हील चेयर के लिए हैं। कुछ कानों वाले भी आए, क्यों कान की मसल सुनने हैं, तो उन लोगों का भी दिव्यांगों के हम लोगों ने यूनिक आईडी कार्ड बन गए हैं उन लोगों का हमारे पास है, तो वो भी वितरण किए हैं हमने दिव्यांगजनों के यूनिक आईडी कार्ड। और अगर जिनको यूडीआईडी बनवाने में सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कत आती है तो हम उन लोगों की मदद करते हैं, और हमारा एक DDRC है जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित, वो भी समय समय पर उनकी मदद करते रहते हैं। हम दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और अदर जो हमारी अन्य सुविधाएँ DDRC पर दी जाती हैं उनके लिए भी हम प्रयासरत रहते हैं और निर्भर रहते हैं।